सम्राट कबीले के अंदर। क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में यहाँ पर मेरे टीचर के लिए किसी ने यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर? वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर कहता है, हाँ वास्तव में ऐसा ही है यंग मास्टर, वास्तव में कुछ ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी है कि मास्टर जी पवेलियन ने यहाँ पर विपिन को पकड़ने के लिए एक वारंट जारी किया है, लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रमुख है उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें यहाँ पर इसके अंदर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। चपाट, और अगले पल यहाँ पर उसका एक हाथ आकर सीधा उसके हाथ के ऊपर लगता है और उसका हाथ वहीं पर ही टूट जाता है और बूम, एक और जोरदार पंच और वह पीछे जाकर गिरता है। वह कोई और नहीं था, वह हमारा मोटू गोलू मोलू विक्रम था। लेकिन यंग मास्टर वास्तव में हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और एक और बंदा वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है। अब बताओ कौन है, कौन यहाँ पर मेरे से कहने की कोशिश कर रहा है? अब यहाँ पर मेरा आदेश सुनो, ये मेरा यहाँ का पहला आदेश है। तुम्हें तो बता ही होगा कि मैं यहाँ का आगे आने वाला प्रमुख बनने वाला हूँ, इसी वजह से सभी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे साथ में सभी यहाँ पर अब मेरे टीचर को बचाने के लिए चलने वाले हैं, और यहाँ पर सभी सेना को तैयार कर लिया जाए। अगले पल यहाँ पर वह विक्रम वहाँ पर नहीं रुकता, वह सीधा खड़ा होता है और अब जल्द ही बीस्टों की एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला दिखाई देने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा बीस्ट थे और उसके ऊपर बहुत सारे सैनिक भी सवार हो रखे थे। वहीं स्प्रिट अवेकरण गिल्ड के अंदर एक टावर के सामने बहुत सारे महिलाएं खड़ी हुई थी। उन सभी की आंखें बहुत ज्यादा गहरी चमक रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन करने की कोई भी जरूरत ना हो? अगर ऐसा हो गया तो वास्तव में आज हमें यहाँ पर हमारी एक नई प्रमुख मिल जाएगी। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, अगर यहाँ पर हमारी उस नई प्रमुख ने इस पूरे टावर को अपने काबू के अंदर कर लिया तो हमें यहाँ पर किसी के साथ में झुकने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस फिर तो इसके बाद में हमारे नारे ब्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्रमुख बनने वाली है वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाकू भी है और उसके साथ में वह स्पीड अवेकनर भी। हाँ वैसे तुमने सही कहा, उस लड़की ने अपने ठुड्डी के नीचे थोड़ा सा हाथ मेरा और उससे कहा, वास्तव में मानना पड़ेगा कि जो हमारी युवा प्रमुख है ना वह कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने इस तरह से इस मुकाम के ऊपर हासिल कर ली थी। उन्हें तो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पता नहीं अचानक से उन्होंने यहाँ पर इस तरह की जो चीजें है ना कहाँ से सीख ली। और अब बस हमें यहाँ पर वह देखना है कि क्या वो वास्तव में इस पूरे टावर को क्लियर कर पाने में कामयाब हो पाएगी। वहाँ पर वो इसी तरह से बात कर ही रहे थे कि अचानक से बूम, एक जोरदार शॉक वेव उस टावर के अंदर से बाहर निकलती है। अगले ही पल गड़गड़गड़ करते हुए यहाँ पर वह टावर पूरी तरह से हिलने लगता है और अगले ही पल यहाँ पर वह टावर के भी टांगे निकल आती है। हाँ, वह टांगे यहाँ पर कुछ ऐसी मोटी चोटी थी क्योंकि यहाँ पर वो पत्थरों से जो बनाई गई थी। ये क्या वास्तव में यहाँ पर हमारी एक नई बुजुर्ग आ चुकी है? अब हमें यहाँ पर किसी के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड हम लोग नहीं होंगे। यहाँ पर जल्दी से एक एल्डर ने कहा, हाँ हाँ तुमने सही कहा, वास्तव में अब हमारे लिए अब नए रास्ते खुलने वाले है। अब हम यहाँ पर किसी को भी अपने सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से अब एक लड़की निकलती हुई बाहर आ रही थी। पसीने से भीगी हुई थी, उसके कपड़े भी थोड़े से अस्त व्यस्त लग रहे थे, थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी और वह अपने हाथों को साफ करते हुए नीचे आ रही थी और अंगड़ाइयां भी लेती जा रही थी। अंगड़ाई लेते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई परी नीचे उतरते हुए आ रही हो, पसीने की बूंदे उसकी नाक से नीचे टपक रही थी। वो वास्तव में कोई और नहीं थी, वह हमारी रोमा थी। वह अब पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी थी, उसका लुक उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो गई थी और वह पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी जब से वो यहाँ पर आई थी। उसके बाद में उसका जो देख रेख थी वो बहुत अच्छी तरह से की जा रही थी। और इसके अलावा क्योंकि विपिन के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आज्ञाकारी हुआ करते थे तो हमेशा वह अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहा करते थे। गिल्ड लीडर को सभी सम्मान देते हुए यहाँ पर सभी महिलाएं अब रोमा के सामने झुक जाती है। वह सभी बहुत ज्यादा उत्तेजित भी लग रही थी। हाँ हाँ ठीक है सभी उठ जाओ, क्योंकि अब मैं यहाँ की एक नई गिल्ड लीडर बन चुकी हूँ, तो इसके बाद में ये आज मेरा पहला आदेश है। मेरी बात सुनिए, बात कुछ ऐसी है कि जैसे यहाँ पर आप सभी मेरा यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं तो उसी तरह से यहाँ पर मेरे भी एक टीचर है जिनका नाम विपिन है। आप सभी को भी वहाँ पर उन सभी के सामने इसी तरह से व्यवहार करना है जिस तरह से आप मेरे साथ में
करते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर उनके साथ में सही से व्यवहार नहीं करेगा तो उसके बाद में उनके साथ में एक ही काम हो सकता है कि या तो उनका लाइसेंस ले लिया जाएगा और उसके बाद में उनके ऊपर एक छाप छोड़ दी जाएगी, जिसके बाद में वो किसी भी स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर नहीं जा पाएगी। हाँ लीडर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपकी बातों को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हैं। सभी ने अपना अपना सिर हिला दिया और सभी की आंखों के अंदर अभी भी रोमा ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर एक एल्डर आगे बढ़ते हुए आती है और थोड़ी सी हिचकी चला रही थी। वह कहती है, लीडर आप क्या विपिन का बात कर रहे हैं? हाँ विपिन की, लेकिन आप विपिन ना कहें, उनको एल्डर कहें। हाँ एल्डर विपिन, वैसे भी बात कुछ ऐसी कि आपके जो एल्डर है, जो आपकी टीचर है, वह यहाँ पर कोई 8-स्टार मास्टर टीचर है या फिर वह यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर भी गए हुए हैं? तो उसके साथ में रोमा कहती है, हाँ वास्तव में वही है और उनके अलावा कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ही जैसी पहचान के साथ में नहीं रह सकता था। हम माना कि नाम सेम हो सकते थे, लेकिन संत अकेडमी और यहाँ पर 8-स्टार मास्टर टीचर कोई एक ही तो हो सकता था ना। अच्छा ऐसी बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बहुत बड़ी गड़बड़? क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर रोमा ने पूछा। तो यहाँ पर वह एल्डर कहती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही मास्टर टीचर पवेलियन ने आपके टीचर को गिरफ्तार करने के लिए एक गिरफ्तार वारंट को जारी किया गया है। क्या गिरफ्तार वारंट? हाँ गिरफ्तार वारंट। और उसके बाद में उसे एल्डर ने वह सब कुछ बता दिया जो वहाँ पर हुआ था। उन सभी की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे टीचर के ऊपर इस तरह से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की? क्या वह सभी अब जीने से थक चुके हैं या फिर अब उन्हें यहाँ पर अपनी लाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? सभी मेरे आदेश सुनो, सभी 9-स्टार स्पीड अवेकनर्स अब मेरे साथ में चलने वाले हैं मेरे टीचर की सहायता करने के लिए। अब हम सभी यहाँ पर वहाँ के सभी मास्टर टीचर पवेलियंस को मंत्र मुक्त करने वाले हैं। यहाँ पर हम उन सभी को ये बता देंगे कि अब हम यहाँ पर किसी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। हम लोग भी यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है। हाँ माना कि हम सुंदरिया हैं, लेकिन उसके साथ में ये तो सबको पता होगा, लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए लेकिन बिजली गिर जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अब उन्हें हम बताएंगे कि उनके साथ में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। हाँ लीडर, हम उनको यहाँ पर बता देंगे कि अब यहाँ पर स्पिरिट अवेकनर गिल्ड भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो भी तोप बन गई है तोप। बूम। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रेनू और विपिन अभी तक भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। रेनू के अंदर से कुछ ओरा बाहर निकलता जा रहा था। जैसे जैसे विपिन उसके ऊपर अपनी सुइया छुपाते जा रहा था ना, वैसे वैसे यहाँ पर उसके अंदर की जो एनर्जी थी ना, थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ रही थी। हाँ वो वाली एनर्जी नहीं थी कि वो यहाँ पर मेरिडेंस ठीक करने में लगा हुआ हो, वो अभी उसका यहाँ पर रूप चेंज करने के अंदर लग रहा था और यहाँ पर उसको भौतिक शरीर की जरूरत थी, इसी वजह से यहाँ पर विपिन उसकी कोई सहायता कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ रेनू भी अपनी जगह पर आराम से बैठी हुई थी। वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी, अगर यहाँ पर वह अपने साधना को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लेती है या फिर अपनी उस बॉडी की जो टेक्निक है उसको ठीक कर लेती है तो उसके बाद में यहाँ पर कोई भी 9-स्टार मास्टर टीचर भी उनको नहीं पहचान पाएगा। तो ठीक है रेनू, एक बार ट्राई करो, अब तुम्हें यहाँ पर अपना बेस बदल कर देखना चाहिए। हाँ टीचर। और उसके साथ में यहाँ पर रेनू जल्दी से वह सब कुछ करने लगती है। अगले पल यहाँ पर रेनू के मुंह की हड्डियां थोड़ी सी चटकने लगती है और उसका शेप थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। उसकी बॉडी भी थोड़ी सी यहाँ पर कम सुंदर सी दिखने लगती है। हाँ हालांकि फिर भी यहाँ पर वो दिख तो रही थी, लेकिन अब कोई भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। चलो बहुत अच्छा, आखिरकार हमारा काम हो ही गया, विपिन ने मुस्कुराते हुए यहाँ पर रेनू से कहा। हाँ टीचर, वास्तव में आपने यहाँ पर एक कमाल कर दिया है, वैसे भी आप हमेशा कमाल करते रहते हैं। हाँ ठीक है, मस्का मत लगाओ, चलो अब उठो यहाँ से, हम लोग चलते हैं जल्दी से यहाँ से। और उसके साथ में यहाँ पर वह फिर से निकल जाते हैं। फिर से यहाँ पर वो एम्पायर एलायंस के अंदर आ चुके थे। इस बार एम्पायर एलायंस की जो सिक्योरिटी थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि यहाँ पर वो किसी के रूप को पूरी तरह से चेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो 6-स्टार और 7-स्टार मास्टर टीचर्स थे ना, उन सभी को वहाँ पर बिठाया गया था। लेकिन यहाँ पर विपिन और रेनू को अंदर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। टीचर अब हमें यहाँ पर कहाँ पर चलना चाहिए? तो उसके साथ विपिन कहता है, हमें पहले यहाँ पर लोअर गिल्ड के अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि क्या हम वास्तव में यहाँ पर तुम्हारे मेरिडियंस के साथ में कुछ ऐसी चीज लगा सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं जिसके साथ में हम तुम्हारे मेरिडियंस को ठीक कर सके। हाँ टीचर, तो वहीं पर ही चलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन और रेनू दोनों पहुँच जाते हैं लोअर गिल्ड के अंदर। लोअर गिल्ड बहुत ज्यादा बड़ा था, जैसा कि उसको होना चाहिए था। उसके ऊपर एक बड़ा सा हैमर लगा हुआ था। हाँ माना कि यहाँ पर वह हैमर नकली था, लेकिन उसके अंदर से फिर भी बहुत ज्यादा खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था।
टीचर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर किससे पूछना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए। तो उसके साथ में विपिन कहता है, ओ ये इसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ के जो गिल्ड लीडर है ना उन्हीं से पूछने वाले हैं कि हम यहाँ पर कैसे एक मेरिडन को ठीक कर सकते हैं। गिल्ड लीडर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है टीचर, आपके पास में तो अभी आपकी मास्टर टीचर रैंक भी नहीं है, आप उसका सामना अभी नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा आप उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अभी कैसे कर सकते हैं। वास्तव में रेनू का कहना भी सही था, अगर विपिन यहाँ पर अपनी मास्टर टीचर सील का ही उपयोग नहीं कर सकता था तो उसके बाद में यहाँ पर कौन होगा जो अब उन्हें जो नॉर्मल थे उनको यहाँ पर अपना समय देने के लिए तैयार होंगे। तो विपिन ने कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान काम है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। उसके साथ में विपिन इधर उधर भटकने लगता है और उसके साथ में उसकी निगाहें एक जगह पर चली जाती है। चलो ठीक है, मिल गया बकरा, आओ मेरे साथ में। उसके साथ में विपिन जल्दी से यहाँ पर एक 8-स्टार लोहार के पास में चला जाता है। ओह क्या हाल है लोहार, आखिरकार हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। जूनियर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर विपिन ने अपने सामने बैठे हुए उस 8-स्टार लोहार से कहा, क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो? अरे भाई क्या तुम मेरे को अभी भी भूल गए हो? अरे तुम मेरे जूनियर हो और मैं आपका सीनियर अंकल हूँ। विपिन इस बार अपनी आवाज के अंदर नाराजगी के भाव लेते हुए कह रहा था। वह ऐसे कह रहा था कि बस आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा मुंह दर्द होने लग जाएगा ना तो फिर नेक्स्ट डे के एपिसोड्स कैसे बनाएगा, इसी वजह से इस एपिसोड को यहीं पर ही तेरे को खत्म कर देना चाहिए बिना किसी ज्यादा सस्पेंस के। इसी वजह से मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पर विपिन की बात मान ली जाए और वैसे भी हमारे बंदे यहाँ पर सोएंगे, इसी वजह से चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखना और यहाँ पर ध्यान